सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद जो अभी दुबई में है, ठीक है, तो उर्फी जावेद को जो अभी डिटेन्ड किया गया दुबई में, मतलब कि उनको पुलिस स्टेशन लेके गए पुलिस ने, क्योंकि वो जो वीडियो शूट कर रही थी वही उल्टे सीधे कपड़े पहन के। अब यहाँ पे मेन चीज है कि उन्होंने क्या कपड़ा पहना है उससे इशू नहीं है। जहाँ पे वो वीडियो शूट कर रही थी ना, वो जो है एक पब्लिक प्लेस था, तो इसी की वजह से पुलिस ने जो उनको पुलिस स्टेशन लेके गए एंड पूछताछ वगैरह हुआ उनसे, एंड शायद से यूएई अथॉरिटीज उनका रिटर्न फ्लाइट डिले भी कर सकती है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कॉमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, पठान के बारे में। तो एक ना एक प्रॉफिट है परमहंस आचार्य करके, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद शाहरुख खान के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, वो बोलते हैं कि वो शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे। यस, आप देखिए वो क्या कहे। फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है और ये फिल्म जिहाद है, यह रणनीति तैयार करके किया जाता है, इसलिए आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा है। भगवा के बिना किसी का अस्तित्व तो नहीं हो सकता है। और जो भी शाहरुख खान को, अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं, हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं, जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा। अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे परमहंस आचार्य को हेट मिल रहा है। यस, लोग जो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं ये बोल के कि परमहंस आचार्य को जो अरेस्ट करो, है ना। और जो बता दू, पठान का दूसरा सॉन्ग जो है आज आउट होने वाला है। यस, इसका टाइटल होगा झूमे जो पठान। आज 11 बजे जो प्रीमियर होगा ये सॉन्ग। इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दो, किसी ने मुझे सबमिट किया था ये वाला स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो वहाँ पे जो प्रीमियर वाला डेट है उसको अच्छे से देखना। 12/22/22 कौन सा मंथ है भाई? शायद से ग्लिच की वजह से हुआ होगा, क्योंकि हम 22 सेट ही नहीं कर सकते शायद से, जब प्रीमियर करते ना अभी, वैसे वो ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बाद, जो कार्तिक पांडे के बारे में। तो ये जो एक आर्टिस्ट है, ठीक है, इन्होंने जो विराट कोहली के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। यस, उसने जो विराट कोहली का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्केच बनाया भाई। यस, एंड बहुत बड़ा है वो, एंड बहुत मेहनत करके उसने बनाया। वो बनाने में उसको 500 घंटे लगे भाई। 500 घंटे में कितना दिन होता है वो आप हिसाब कर लेना। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यस, आप लोग भी जो है कार्तिक पांडे आर्ट्स का जो वीडियो का लिंक शेयर कर देना यार, विराट कोहली को डीएम के थ्रू हो गया या फिर ट्वीट के थ्रू हो गया, ताकि उन तक पहुंचे ना, क्योंकि मेहनत करके बनाया उसने। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी उनके दोस्त, आपको पता है, जो फ्लैट में रहते हैं, तो उनको जो 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ने कंप्लेंट कर दिया ये बोल के कि वो लोग ज्यादा शोर शराबा करते हैं। मैं छोटा सा क्लिप आपको उनके व्लॉग का दिखाता हूं, आप देखिए। वही 5,000 का नोटिस सोसाइटी का, अनऑथराइज्ड गेस्ट आ रहे हैं, वो तुम्हारे उसमें शोर शराबा मचा रहे हैं रात को। अगर ऊपर वाला आता है, हाँ, अगर ये ऊपर वाले नहीं भेजा है, हाँ, तो इसकी भाई कम से हाँ कम से कम 50,000 रुपए तो तू दे हमें, पूरे साल से नहीं डिस्टर्ब कर रहा तू हमारी। बच्चे की आवाज आई थी, खट 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 खट, इस रूम में तो सबसे ज्यादा है, हम नहीं कर सकते, हम कोऑपरेट कर रहे तेरे पे, एक रात का भी नहीं हुआ। मैं तो ये नहीं कह रहा है, आदमी अभी मिलेगा रात को ही, क्योंकि ये दिन में जॉब पे जावे तो अभी चलो इसके घर, ये तो गार्ड ने दिया। तो गार्ड को बताओ, गार्ड को वो जाओ इसको, हाँ वो यूं कह रहा कि ये तो मेंटेनेंस ऑफिस जमा करना आपको, और भी ना कुछ 5,000 का फाइन, मतलब ऐसा फाइन मारेंगे ना जो तुमने पर खट खट करवाई पूरे, उससे तो हमारा पानी भर गया सारे, हाँ उसका दे 50,000। हम तो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं हर चीज में, सीधा 50,000 दे दू। तो चलिए अगली अपडेट के बाद, मतलब 3 चैनल्स के बारे में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यूट्यूब को बैन करने के लिए कहा है। वो चैनल्स कौन कौन से? आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस एंड सरकारी अपडेट्स। अभी आप लोग सोच रहे होगा आज तक को गवर्नमेंट बैन कर रही है, वेल ऐसा नहीं है, दूसरे आज तक लाइव के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। क्यों बैन करने के लिए कहा गया? क्योंकि ये जो फेक न्यूज फैला रहे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मिस्टर बिस्ट के बारे में। तो मिस्टर बिस्ट एक ट्वीट किए, ये बताते हुए कि 3 साल बाद जो वो एक वीडियो को पब्लिक करने वाले, जिसका टाइटल है हाई मी इन 10 ईयर्स, एंड वो वीडियो बनाते टाइम उनके जो 8,000 सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने गेस किया था कि मेरे 10 साल बाद इतने सब्सक्राइबर्स होंगे। अब ये वीडियो आने में लेकिन थोड़ा सा टाइम है, 3 साल बाद अपलोड होगा, क्या हो अगर ऑलमोस्ट एक्यूरेट उन्होंने गेस कर दिया था। तो चलिए वो अगली अपडेट के बारे में, नथिंग के बारे में, नहीं बात करने वाला नथिंग फोन के बारे में। तो इनके सीईओ ने जो एक ट्वीट किया था, 1 comment with 0 likes will win a नथिंग फोन, वी आर चूजन इन 24 hours, मतलब कि कोई एक ऐसा कमेंट है जिस पे 0 dislikes है उसको नथिंग का फोन मिल जाएगा। उसका मैं भी देख रहा था भाई, सारे में कुछ ना कुछ लाइक्स तो है, 1 likes तो एटलीस्ट थे, बट फाइनली उसका विनर आउट हो चुका है। यस, यहाँ पे उसने कमेंट किया था ओके, एंड उसमें जो है 0 likes है भाई, आप देख सकते हो। और जो नथिंग के सीईओ ने जो ट्वीट किया था, उसी ट्वीट के नीचे वो कमेंट किए, प्लॉट ट्विस्ट, द कमेंट विद द मोस्ट लाइक्स विल आल्सो विन अ फोन। अभी फिर से उन्होंने बताया कि एक कमेंट जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स है वो भी जीतेगा नथिंग का फोन। ये भी अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बाद, अदनान 07 के बारे में। तो आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अदनान 07 का जो सर्जरी होकर रखा है, उनका शोल्डर का एंड क्या हुआ था वो पता नहीं था मेरे को। इन एक वीडियो अपलोड करके बताया कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था, तो उनका जो कॉलर बोन है वो स्प्लिट हो गया था। उनका जो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद ये हुआ था, एंड डॉक्टर ने उनको वर्कआउट वगैरह करने से मना किए थे, मतलब कि उनको जो रेस्ट लेने के लिए कहे थे, एंड वो जो रेस्ट वगैरह नहीं लिए, वो जो वर्कआउट वगैरह किया ना, जिसके बाद सिचुएशन क्रिटिकल होता गया एंड अभी सर्जरी करना पड़ा। एंड डॉक्टर ने उनको अभी
तीन महीने के लिए वर्कआउट वगैरह करने से मना किया। सो अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, एलविस यादव के बारे में। तो रोहित राय वर्सेस कुछ यूट्यूबर्स का कंट्रोवर्सी मैं आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एलविस यादव अपने व्लॉग में गए थे कि अगर 30,000 कमेंट्स हो जाते उनके व्लॉग में देन फिर वो जो है रोहित राय को रोस्ट करेंगे। उसके बाद 30,000 क्या बहुत ज्यादा ही कमेंट्स हो गए। उन्होंने कहा कि उनका जो रोस्ट वीडियो आ रहा है इसके बारे में वो क्या कहे आप खुद देखिए। 30,000 कमेंट की गई थी मैंने अभी अभी 2 घंटे में, 38,500 कमेंट तो हो गए। तो इसका मतलब पब्लिक इज विद मी, जो की चाहती है मैं रोस्ट निकालूं तो निकालेंगे। एक बार मैं जन्नत जुबेर से याद आया रोहित राय नहीं उससे तो कति याद ना सके, गणेश सुतरी छोरी अपनी जन्नत भाई रोही पर उससे भी सुतरी भाई। और जो रोहित राय के वीडियो का स्क्रीनशॉट भी दिखाई जो वो रिप्लाई की थी जहाँ पे उन्होंने कमेंट्स वगैरह ऑफ करके रखा है, वो लिखी आई सपोर्ट बेस्टी। अब लेट्स सी उनका रोस्ट वीडियो कब तक आता है। तो चलिए अगली अपडेट का प्रियल धुरी के बारे में। तो इन्होंने 3 महीने पहले अपने चैनल पर छोटा भीम से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसके ना जोक्स को सुमित सो वीट ने जो कॉपी करके एक रील्स बनाया था। अभी मैं आपको सुमित का वीडियो दिखाया तो आप देखिए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है भीम ऊपरी रूप से अच्छा लड़का है लेकिन भीतर से भीम भेड़िया है। इसने गांव की एक सीधी साधी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है जिसका नाम चुटकी है, जो कि अपनी माँ के गले से भीम को लड्डू चुरा कर देती है। इसका राजा की बेटी यानी कि अमीर बाप की औलाद रानी इंदुमती के साथ भी नैनमटक्का चल रहा है। छोटा भीम कार्टून कतई रेसिस्ट कार्टून है। कालिया काला है इसलिए उसे कालिया बोला जाता है। रंग का इतना भेदभाव क्यों? कालिया मोटा है उसे मोटा बोला जाए। भीम में जो राजा है वो भी अब्बल दर्जे के चूतिए हैं। वो एक छोटे बच्चे की राय मानते हैं जिसे लगता है लड्डू खाने से बहुत सारी ताकत आती है। मुझे ऐसा लगता है भीम लड्डू में भांग मिलाकर खाता है क्योंकि एक बार वो लड्डू खाकर मगरमच्छ के दांत तोड़ने चला गया। भीम नारंगी लुंगी पहनकर पूरे गांव में अदनंगा घूमता है, यही उसका फैशन सेंस है। उसका यह फैशन देखकर गांव की सारी लड़कियां उसके प्यार में बौरा गई हैं। वो कहते हैं ना कुछ लड़कियों को लड़के ही पसंद आते हैं। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। तो जब प्रियल धुरी के सब्सक्राइबर्स ने रील्स देखा तब उसे कमेंट्स वगैरह में टैग कर रहे थे प्रियल धुरी को, फिर वो लिखे वाओ क्या चोरी किया, फुल वर्ड टू वर्ड यूट्यूब टू रील पेस्ट लिचर साला, गुड थिंग दैट इट्स स्ट्राइक फ्री नाउ, वरना भेंडी लड़ने को बेस नहीं रहता। शायद से उनको जो कॉपीराइट स्ट्राइक मिला हुआ था इस वीडियो में, यहाँ पे वो यही बताना चाहता था कि अच्छा वो कॉपीराइट स्ट्राइक हट गया, वरना तो उनके पास प्रूफ ही नहीं रहा था कि सुमित ने जो उनका वीडियो को कॉपी किया। फिर इसके बाद वो लिखे गाइस बस हो गया रेडिंग बंद कर दो, एक म्यूचुअल फ्रेंड ने क्लियर कर दिया कि उसकी इंटेंशन नहीं थी और बस एक्सीडेंटली सिमिलर हो गया, स्टिल गो वॉच द ओरिजिनल वीडियो, बट अगर इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट भी मेरे से सिमिलर वीडियो बना रहा हूं टेक केयर कि एक वर्ड भी मैच ना हो। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।